प्रिय मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। जैसा आपको मालूम है, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार सने के साथ आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, समय समय पर अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुध राहु शुक्र शनि ग्रह की युक्ति, ये चार मित्र ग्रह हैं। बुध राहु शुक्र शनि ग्रह की युक्ति कुंडली के प्रत्येक भाव में आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देता है, क्या हानि देता है, क्या लाभ देता है। जिसके लग्न में बुध राहु शुक्र शनि बैठा हो, ऐसे लोग आलसी होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते। जिसके दूसरे भाव में बुध राहु शुक्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, अपनी अच्छी यश कीर्ति प्राप्त करते हैं, समाज में पूजे जाते हैं। जिसके तीसरे भाव में बुध राहु शुक्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वावलंबी होते हैं, मेहनती होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में बुध राहु शुक्र शनि की युक्ति हो, ये अच्छी उन्नति करते हैं, IAS IPS तक बनते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, स्वतंत्र कार्य करते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में बुध राहु शुक्र शनि बैठा हो, ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, लेखक होते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में बुध राहु शुक्र शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, ऐसे लोग विवादों में रहते हैं, ऐसे लोग के पास शत्रु अधिक पैदा होते हैं, केस मुकदमा भी लड़ते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में बुध राहु शुक्र शनि की युक्ति हो, ये पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, समाज में अच्छा यश कीर्ति प्राप्त करते हैं, अपने नाम से पहचाने जाते हैं, रंग से राजा बनते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में बुध राहु शुक्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग सर्दी खांसी के रोग से परेशान रहते हैं, आँख के रोग से परेशान रहते हैं, इनके संकित विचार के होते हैं, जीवन में संघर्ष अधिक करते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में बुध राहु शुक्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, व्यापार में घाटा खा जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, जीवन में कभी इच्छा अनुसार सफलता नहीं पाते हैं। जिसके दसवें भाव में बुध राहु शुक्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग केमिकल संबंधी, मशीन संबंधी, ट्रेडिंग संबंधी, जमीन संबंधी, लोहा संबंधी व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं और अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसके कुंडली में ग्रहवें भाव में बुध राहु शुक्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छी सफलता पाते हैं, गुप्त धन भी प्राप्ति होती है, ऐसे लोग को जमीन संबंधी भी धन मिलता है, ऐसे लोग स्वतंत्र कार्य करते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में बुध राहु शुक्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग हम संकित विचार के होते हैं, बुद्धि चलायवान होती है, औलादों से विचार मेल नहीं खाता है और जीवन में हमेशा विवादों में रहते। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसे सुनिए। इसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विवेचन कराने की इच्छा रखते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद।